लेकिन यहाँ पे ओके गेट बंद हो गया है। ओह भाई सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डरावना गेम खेलने जा रहा हूँ। यार मैंने काफ़ी लोगों को यूट्यूब पे ये गेम खेलते हुए देखा, पूरी वीडियो नहीं देखी मैंने, बस इसका गेम का मतलब थोड़ा सा मतलब सर्च करी थी कि कैसा गेम है, क्या है क्या नहीं। मैं कुछ घोस्ट वाले गेम सर्च कर रहा था तो उसकी लिस्ट में ये वाला गेम मुझे मिल गया। तो गेम का नाम है पैरानॉर्मल HK। तो HK से मेरे ख्याल से तो हांगकांग हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह में लिखा हुआ है और पैरानॉर्मल का मतलब तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो भाई भूतिया मतलब होता है इसका, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें जो भूतों के थ्रू होती है। तो आज हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू नहीं करने वाला मैं, मतलब कंटिन्यू पता नहीं क्यों लिखा हुआ रहा है, मैंने पहले तो कभी भी नहीं खेला, तो यहाँ पे न्यू गेम लगा लेता हूँ अपना। और मैंने सुना है कि ये गेम इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया काफ़ी लोगों का। तो यार अपना गेम मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके तो यहाँ पे एक लड़की आ गई है अभी। अबे भाई ये तो ओके, तो ये ओके तो ये बोल रही है अभी कोई चाइनीज़ या जैपनीज, लेकिन शुक्र है कि भाई जो हमारे सबटाइटल्स हैं वो लिखे आ रहे हैं और यहाँ पे लिखा है एस टू स्टैंड बैक। ओके तो शायद से मुझे पीछे आना होगा। ओके तो मैं इसे शायद से लड़की को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अभी मुझे लग रहा है ये लड़की अपनी कोई वीडियो वगैरह बनवा रही है, कुछ रिकॉर्डिंग कर रही है ये। ओके तो अभी ये बोल रही है यहाँ पे हम कुछ ओके तो मुझे थोड़ा थोड़ा अभी आइडिया मिल गया है। मैंने गेम पहले कभी भी नहीं खेला है, तो अभी अगर आप ऐसा सोच चुके मैंने गेम खेला है देखा है तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये लड़की अपने किसी रिकॉर्डर के साथ आई है और इस जगह को कोई किसी जगह पे आई है ये लड़की, और मुझे लग रहा है कोई जगह को एक्सप्लोर करने वाली है। तो कैमरा वैमरा इनने सेट कर लिया है, तो यहाँ पे लड़की बोल रही है अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। ओके तो अभी ये लड़की बोल रही है शायद से इसमें कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी शायद से कुछ और जुगाड़ लगाई गई है। तो इस लड़की ने बोला है कि हमें इस जगह को एक्सप्लोर करना है, तो मेरे ख्याल से ये लड़की किसी लड़के के साथ यहाँ पर आई है और ये जो किसी जगह पे ऐसी जगह पे आए हैं जो थोड़ी सी शायद से पैरानॉर्मल है, तो उसको ये एक्सप्लोर करने आए हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं। वैसे गेम के ग्राफिक्स यार मतलब ठीक ठाक है, काफ़ी डिसेंट ग्राफिक्स है, मतलब ग्रैनी से तो अच्छे ग्राफिक्स हैं। हालांकि ग्रैनी जैसा गेम ये होगा या नहीं होगा वो तो खेलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भाई ग्रैनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है। तो इसकी स्टोरी ओ भाई ये क्या हुआ है, ये अपनी आप ही टॉर्च ऑन हो गई है। ओके तो इस टॉर्च को मैं उठा सकता हूँ, लेकिन अभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे ये हुई है कि भाई जो टॉर्च पड़ी हुई थी अपने आप ही जल गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके मैं देख लेता हूँ लाइट कहाँ की पड़ रही है, शायद से कोई फ़ैन वगैरह जिसकी लाइट पड़ रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे। और मेरा गेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव भी हो गया है, और मेरे ख्याल से मैं अपना जो कैरेक्टर है इसे तेज़ भगा नहीं सकता हूँ, और हमें आराम आराम से इसी स्पीड से चल के यहाँ से जाना होगा। यहाँ पड़ा हुआ क्या है, मेरी हालत सी ख़राब हो रही है थोड़ी सी अभी, क्योंकि यहाँ पे भाई अंधेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा। ओके तो यहाँ से अभी हमें कहीं भी नहीं जाना, हमें जाना है लेफ्ट हैंड पे। तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे ये क्या चीज़ है। ओके तो यहाँ पे लिखा है कि आई नीड टू फाइंड द स्विच। ओके तो यहाँ पे एक डोर है ये वाला, इस डोर के अंदर मुझे जाना होगा इस डोर को खोल के, लेकिन इस डोर को खोलने के लिए मुझे इस रास्ते जाना पड़ेगा, ये पाइपलाइन का रास्ता है। तो भाई इस गेम ग्राफिक्स तो यार काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट ग्राफिक्स हैं, रियलिस्टिक लग रहा है काफ़ी। हालांकि इस गेम का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, अगर मैं आपको बता दूं कि साइज़ का बहुत बड़ा है, लोग सोचते हैं कि साइज़ बहुत बड़ा है, तो साइज़ का बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही साइज़ है। ओ भाई साहब अबे भैया आई कैसे है यहाँ पे, ये क्या सीन था। अबे भाई ये क्या हुआ क्या है अभी यहाँ पे। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है ओके, तो भाई हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और मेरा एकदम रुआ खड़ा हो गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे जो लड़की थी हमारे साथ उसका नाम था कैथी, तो यहाँ पे लिखा है कैथी को कोई पकड़ के ले जा चुका है और वो बहुत ज़्यादा कोई खतरे में है, और अभी हमें उसे ढूंढना होगा। तो भाई अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैथी मैन विलन इस गेम में, ये मैन विलन है कौन, वो पीछे इस तरीके से आई थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ओके अभी ढंग करके आवाज़ आई थी मुझे, ये हुआ क्या था यहाँ पे। ओके इस गेट को खोलना है, नहीं इसको नहीं खोलना, लेफ्ट साइड में ये वाला गेट है। ओके ये ऑटोमेटिकली खुल गया, भाई यहाँ पर बड़ा गंदा सीन हुआ था। ओके मैं थोड़ा सा स्प्रिंट कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर को, मैंने अभी भी रियलाइज़ किया कि मैंने जैसे शिफ्ट दबाया, ओ भाई साहब ये देखो डोर अपने आप ही खुल गया। कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं। ओके वैसे यार गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे अभी तक तो मज़ा आ रहा है। ओके इट्स लॉक्ड, आई नीड अ की। ओके मुझे एक चाबी की ज़रूरत है इस गेट को खोलने के लिए, चाबी तो नहीं है ये किसी की फ़ोटो है यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे। ओके तो अभी ये किसी की फ़ोटो पड़ी थी और फ़ोटो से काम नहीं बनेगा, मुझे लगा इसके अंदर चाबी होगी। ओके नहीं चाबी नहीं,
इसके अंदर चाबी नहीं है, इसमें एक्चुअली हम छुप सकते हैं। तो छुपने उपने का भाई हमारा कोई इरादा नहीं है, अभी छुपना नहीं है हमें, हमें चाहिए चाबी। तो चाबी कहाँ मिलेगी? चाबी भाई कोई बहुत खतरनाक सी जगह पे हो सकती है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। ओके मैं इसे घुमा सकता हूँ, ठीक है अब मैंने रियलाइज़ किया ये। ओके शायद से मैं इसे खोल सकता हूँ मेरे ख्याल से। ओके चाबी ये रही भाई, चाबी मिल गई है मेरे को। ओके ई से मुझे लेना होगा इसको, और यहाँ पर क्या करना होगा? ठीक है इसका कुछ मेरे ख्याल से काम नहीं है यहाँ पे। और अब मैं चाबी के थ्रू गेट खोल सकता हूँ। ये मैंने खोला गेट यहाँ पे, और आई होप कुछ गड़बड़ ना हो, वैसे गड़बड़ तो होनी होनी। ओके ये अभी ये गत्ता जो है यहाँ पे हिला था मेरे ख्याल से, ये जो कार्टन है ये हिला था। खैर जो भी है, ये क्या था यहाँ पे? अभी किसी का हाथ दिखा था मुझे यहाँ पे। अबे भाई यहाँ हाँ जादुई चीज़ें हो रही हैं यार, अजीब अजीब सी। ओके फिर से कुछ गड़बड़ हो सकती है। ओके अबे भाई ये कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई जादू, काला जादू हो रहा है एक्चुअली में, क्योंकि देखो यहाँ पे मोमबत्ती वगैरह सब एकदम रखी हुई है, पता नहीं कैसे कैसे। ओके भाई डर लग रहा है मेरे को। अब मैं सच बताऊँ तो पहले जब मैंने इस गेम खेलना शुरू करा एक दो मिनट तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इतना बड़ा मतलब इतना कोई ख़तरनाक एनवायरनमेंट नहीं बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ मुझे डर लग रहा है। ओ भाई साहब ये क्या है, यहाँ का यार थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखो कैसा बना रखा है, यहाँ का बड़ा ही गंदा कोई इन्वायरमेंट बना रखा है। ओके यहाँ पर एक पर्चा है, इस चिट्ठी को पढ़ लेते हैं, चिट्ठी विट्ठी में कुछ नहीं है। ओके इसको देखता हूँ। ओके यार ये बड़ी गंदी चीज़ थी, ये कोई रेडियो है जो चला के छोड़ लगा था, कुछ भूतों वूतों ने छोड़ रखा होगा आई एम श्योर। तो इसको मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ओके गेट बंद हो गया है। ओ भाई साहब अबे अबे ये क्या सीन था, अबे भाई साहब ये क्या सीन हुआ यहाँ पे। फाइंड अ सेफ प्लेस टू हाइड शिफ्ट रन। ओके 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 मुझे भागना होगा, मुझे भागना होगा। ओ भाई साहब जो ऐथी थी वो बन चुकी है भूत यहाँ पे। अबे भाई ये बड़ा गंदा सीन हो गया, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई एकदम से। तो भाई ऐथी जो हमारी दोस्त थी वो भाई बन चुकी है इस टाइम भूत। ओ भाई साहब मार दिया भाई इसने, मार दिया मुझे। अबे यार मेरी तो मेरा इस टाइम बहुत तगड़ा करके रुआ खड़ा हो रखा है, मैं बता नहीं सकता मेरे हाथ। ओके ये देखो अगर दिख रहा है तो। खैर ओके ये दोबारा से हमें चांस मिलेगा यहाँ पे, मैं गेम अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से जब हम पीछे गए थे तो जाने के बाद वहाँ पे कहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता था नहीं। तो यहाँ पे एक बार मैं एक चिट्ठी पढ़ देता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ काम की चीज़ हो। भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, मुझे नहीं लग रहा वो काम की है। तो मैं दोबारा खोलता हूँ, इस बार नहीं डर लगा भाई मैं, लेकिन इसकी शक्ल देख के यार बहुत दिमाग ख़राब ही है बड़ा तगड़ा। ओके ओके हमारे ओके तो भाई वो आ रही है बहुत तेज़ी से भागती हुई, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई डोर हो सकता है मेरे ख्याल से जिसके अंदर। ओके मैं इसमें छुप के देखता हूँ। ओके मैं छुप तो गया हूँ उसमें, आ गए देख लिया इसने मुझे मेरे ख्याल से। ओके शायद से नहीं देखा है और चली जाएगी अभी। ओके ऐसा हो सकता है ग्रैनी जैसे एकदम से आ जाए धप्पा मारने के लिए, लेकिन हो भी सकता है भाई चली जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता हूँ, एक दो मिनट में थोड़ा सा रुकने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तब तक जब तक यहाँ से दफन हो जाए। तो अभी देखते हैं भाई क्या होने वाला है यहाँ तक। तो यार मुझे एक से दो मिनट तो मेरे ख्याल से हो चुके हैं यहाँ पे छुपे हुए, और अब मुझे लगता है यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा डर रहा हूँ कि यार यहाँ से बाहर निकलूँगा तो वो एकदम से ना खड़ी हो। तो ये निकला मैं यहाँ से बाहर। ओ भाई साहब ओके फाइनली यहाँ पे एक्चुअली जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये डोर लॉक्ड था और इसे मैं खोल भी नहीं पा रहा था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फंस गया तो वो आके मुझे मार के चली गई। तो यहाँ से भाई अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली मैं हो क्या रहा है मैं देख लेता हूँ। ओके मुझे लग रहा है वो उड़ कर ऊपर जा चुके हैं, नहीं ऊपर नहीं आगे गई है यहाँ से। ठीक है तो यहाँ से ये पेपर, यार ये क्या मतलब ये पेपर वेपर किस काम के है मेरे समझ में नहीं आ रहा। खैर जिस भी काम के हैं मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, और मुझे लगता नहीं इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत। ओ भाई साहब भाई साहब बोरी 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 अबे भाई यहाँ पे घूम रही है, और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है मैं कहीं यहाँ पे छुप सकता हूँ। यहाँ पे जो वार्डरोब होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं के अंदर छुप सकता हूँ, और यहाँ पे भाई वो हर जगह तो नहीं है। तो या तो मुझे वापस भागना पड़ेगा उस भूतनी वाली से छुपने के लिए, या फिर जो आगे वार्डरोब मिलेंगे उनमें छुपना होगा। ओके इसके अंदर कुछ है क्या? ओके भाई यहाँ पे हो सकती है वो। ओके तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। ओके तो यहाँ पे वो इस दरवाजे के अंदर गई है, लेकिन इस दरवाजे के अंदर से वो बाहर भी आ सकती है। तो भाई मुझे जल्दी से यहाँ पे चाबी ढूंढनी पड़ेगी, ताकि मैं इस वाले डोर से, ये जो डोर है यहाँ पे ये वाला, यहाँ से निकल के
आगे चला जाऊँ, तो भाई मेरी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर टाइप बना हुआ है, क्योंकि वो कभी भी आ सकती है यहाँ से, और अगर वो एक बार आई मिशन फेल है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे भाई अंधेरा इतना ज़्यादा हो रखा है ना यार कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब चाबी मिलेगी तो मिलेगी कहाँ पे। तो पहले सबसे पहले चाबी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यार यहाँ पे मुझे घूमते हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब इतने इतने एरिया में मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये जो गेट है, इस गेट को खोलने के लिए मुझे कोई भी की नहीं मिली, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये जो गेट है इसके पीछे कुछ राज हो सकता है। लेकिन राज के साथ साथ वो लड़की तो यहाँ से ही गई थी, वो जो चुड़ैल है वो यहीं गई थी, और यहाँ पे मुझे लग रहा है वो की छुपी है। तो भाई ये लो, मैंने खोल दिया गेट, और भाई आई होप कि वो यहाँ ना मिले, छुपी भी हो सकती है यहाँ पे वो, और एकदम मेरी किल्ली विल्ली भी निकल सकती है बड़े खतरनाक तरीके से। ओके तो भाई ये क्या सीन है, ये सीन क्या है यहाँ पे। ओके चाबी यहाँ पे हो भी सकती है वैसे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि चाबी यहाँ पे हो। ओके यहाँ लिखा है लुक्स लाइक द हैंडल इज मिसिंग। ओके तो ये जो कोई चीज़ है इस, ओके मुझे ये जनरेटर टाइप का है, तो मुझे इस जनरेटर को चलाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। ओके यहाँ पे क्या लिखा है, सम वुडन प्लैंक्स प्रेटी यूजलेस आई गेस। ओके तो यहाँ पे मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ढूंढना क्या ये समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मुझे चाबी चाहिए होगी, चाबी मिलेगी तो मिलेगी। ओके इसके अंदर हो सकती है चाबी, नहीं इसके अंदर तो अभी भी नहीं मिली। लेकिन ओके मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ओके तो मुझे ये जो हैमर मिला था यहाँ पे, इस हैमर से इस गेट, इसको ये जो गेट लॉक था इसको तोड़ना था, और ये खुल गया भाई फाइनली गेट यहाँ पे। और यहाँ पे अब कुछ काम की चीज़ें मिल सकती हैं, डेंटिस्ट का क्लिनिक लग रहा है मुझे कोई। ओके मोस्ट प्रोबेबली तो डेंटिस्ट का क्लिनिक है यहाँ पे। कोई पिक्चर विक्चर आ गई दोबारा से, ये पिक्चर है बिल्कुल रियलिस्टिक है, मतलब है तो रियली, पता नहीं किसकी होंगी, खैर जिसकी भी है। तो यहाँ पे अब मुझे शायद से कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो जनरेटर ऑन कर सके। तो अभी जनरेटर ऑन करने के लिए देख लेते हैं, अगर कुछ मिल जाए तो। ये पर्चा फिर से मिल गया, लेकिन पर्चा कोई काम का नहीं है, मतलब जितने भी अब तक पर्चे मिले हैं ना इसके अंदर एक भी काम का नहीं है। ओके यहाँ मैं छुप सकता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा यार ये छुपने उपने की जो वार्डरोब होते हैं ये बेकार होते हैं, काम के नहीं होते, लेकिन ये वाकई में काम का है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम इसी ने बचाया था मुझे भूतनी से। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरा अब जो ऑब्जेक्ट लग रहा है ना मुझे, वो ये लग रहा है कि भाई, ओ भाई साहब आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, मैं छुपा। अब पकड़ लेगी, अब पकड़ लेगी, इस बार पक्का पकड़ लेगी भाई, इस बार तो देख लिया हमने मुझे। ओके तो यहाँ पे आई थी एक्चुअली मैं कोई कॉल, भाई भाई मेरी हालत ख़राब हो रही इस टाइम बहुत ज़्यादा। तो अभी कॉल आई थी, फ़ोन की रिंग हुई थी, तो फ़ोन में एक्चुअली जैसी रिंग होनी शुरू हुई तो ये आ गई, इसको पता चल गया कि यहाँ पे कोई मतलब हो रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो जैसी यहाँ पर आई मैं छुप गया यहाँ पर, और मेरी हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा गंदी करके ख़राब हो रखी है। तो ये जहाँ से जा चुकी है, तो आई होप कि अब मुझे यहाँ पर ना मिले, ये निकला मैं बाहर। ओके तो ये रास्ता, ओके तो ये गेम का ही एक्चुअली में प्रोसेस है, मतलब गेम की ही ये स्टोरी है। यहाँ पे वो जो फ़ोन में मतलब रिंग होनी थी, और इसको आना ही था यहाँ पे, और मुझे छुपना था, मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ पोपट कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर ही आ गई। ओके मेरा गेम फिर से सेव हो चुका है, और वो वहाँ से भाग चुकी है, वो भाई यहाँ से कभी भी कूद के आ जाएगी वो, मुझे लग रहा है। खैर मैं अभी, मुझे लग रहा है मुझे अभी जाना सेफ नहीं है, क्योंकि मेरी हालत ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज के लिए हमारा हो गया यार। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर इसे जरूर से लाइक कर देना, और अगर चैनल में पहली बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं अपने चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको कोई भी कमाल की गेम प्ले वीडियो सीरीज मिस ना हो। और मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो पसंद आई है या नहीं आई है। वैसे तो आई एम श्योर कि अगर यहाँ तक देख लिया तो मज़ा ज़रूर आया होगा, ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था इस गेम के साथ, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब स्कैरी गेम्स में से एक था, और बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी स्टोरी टाइप भी है। तो मैं ट्राई करूँगा इस गेम को और खेलने की, तो मैं मिलता हूँ उस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।